इसके आगे सब ढेर हैं, ये छोरी बब्बर शेर है। विनेश फोगाट के लिए ये बातें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखी है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को खरा सोना बताया है और जैसा कि पिछले कई दिनों से देश भर की जनता तैयारियां कर रही थी, हरियाणा में खाप पंचायतों में ऐलान हो रहे थे, फैसले हो रहे थे, उसी के अनुसार आज सुबह जब विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां से लेकर पूरे रास्ते उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। जाहिर सी बात है, नफरती गुर्गों को ये बातें पसंद कैसे आ सकती हैं। सोशल मीडिया पर गुर्गे आज भी अपना काम उसी तरह से कर रहे हैं, मगर आज हम उन गुर्गों पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज बात सिर्फ विनेश फोगाट की होगी, क्योंकि विनेश फोगाट ने अपने जीवन की कहानी कुछ पन्नों में समेटते हुए देश की जनता के सामने जिन यादों को परोसा है वो आप सभी को एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब व्यक्तित्व बनता है चारों तरफ उसका नाम होता है, लोग उसकी चर्चा करते हैं तो सिर्फ उसकी सफलता ही दिखाई देती है, उसकी मेहनत का परिणाम दिखाई देता है, मगर वो मेहनत और मेहनत की परिस्थितियां ज्यादातर समय देखना भूल जाता है। भारत पहुंचने से कुछ घंटे पहले विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर 3 पन्नों का एक पत्र देश की जनता के नाम लिखा और इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर पिता के सपने और मां के संघर्ष को बेहद कम शब्दों में समेटा है। विनेश फोगाट उस सत्ता से कैसे लड़ पाई जिसके आगे देश के बड़े बड़े धुरंधर लोटासन करने लगते हैं, वो ताकत उन्हें कहां से मिलती है, इस पत्र में सब कुछ साफ कर दिया है। भारत वापस आकर विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा है वो भी जानेंगे। उस पत्र को जरा ध्यान से सुनिएगा और जिन लोगों को अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याएं बड़ी दिखती हैं या फिर उन छोटी छोटी समस्याओं को बहाने के रूप में लेकर रोने लगते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, उन्हें विशेष रूप से इस पत्र में लिखी बातों को ध्यान से सुन लेना चाहिए, खासकर युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को। ऐसे वक्त में जब देश में सदी के महानायक से लेकर बड़े बड़े नामी लोग सत्ता की जूतियां साफ करने लगे हों, उस वक्त में सबसे लड़कर पूरी दुनिया में लोहा मनवाना कोई सामान्य घटना नहीं है और इस असामान्य को सामान्य बनाने वाला सामान्य परिस्थितियों से गुजरकर बना हुआ नहीं हो सकता। इसीलिए आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई खबर जानने के लिए नहीं बल्कि विश्व गुरु की खटिया खड़ी करने वाले के जीवन के संघर्षों को जानने के लिए, उस ताकत के बारे में जानने के लिए जो अमृतकाल में किसी के आगे झुकी नहीं। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना, कमेंट करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका ये चैनल मजबूत बना रहे। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट के दिल्ली पहुंचने और पूरे रास्ते पर उनके स्वागत की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मेरे पीछे लगातार दिखती रहेंगी, उन्हें देखते रहिए और देश की जनता ने किस तरीके से विनेश फोगाट को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कथित साजिशकर्ताओं को करारा तमाचा मारा है इसका अनुभव लेते जाइए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद साक्षी मलिक से मिलते ही विनेश फोगाट गले लगकर जी भरकर रोती हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, एक लाइन में बोल दिया कि देशवासियों का धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश को लड्डू खिलाया, उनके साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले और लगातार विनेश फोगाट के साथ साथ दिखे। करीबन 11 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वो अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ी। लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर जगह जगह लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। एक दिन पहले ही आचार संहिता लग जाने के कारण राज्य सरकार इन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती थी, मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से 4 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का ऐलान विनेश फोगाट के लिए पहले ही किया जा चुका है। बलाली गांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि विनेश को गोल्ड मेडल विजेता की तरह ही सम्मानित किया जाएगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते पल पल बदलती भावनाएं, कभी खुशी तो कभी गम। विनेश फोगाट के लिए ये एक ऐसा वक्त है जब शायद ये समझना मुश्किल होगा कि मेडल न मिलने का दुख मन में रखें या देश की जनता के दिलों पर जो है उसकी खुशी मनाएं। देश की जनता में यदि मोदी के परिवार के लोगों को छोड़ दें, यानी नफरती चिंटुओं को छोड़ दें, तो हर व्यक्ति विनेश फोगाट को विजेता मानता है और सबके दिलों पर विनेश ने अपनी लड़ाई के जज्बे से नई छाप छोड़ी है। विनेश फोगाट की मां भी एक गाड़ी में लोगों का अभिवादन करती हुई दिखी, आप इन तस्वीरों में भलीभांति देख सकते हैं। लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी विनेश फोगाट के लिए ये कहने की खातिर कि उन्हें मेडल नहीं मिला जिसके कारण उनके स्वागत में कोई कमी रह गई। एयरपोर्ट पर विनेश का स्वागत करने बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी पहुंचे थे। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि देशवासियों ने विनेश फोगाट को बहुत प्यार दिया है। साक्षी मलिक ने कहा कि विनेश फोगाट का स्वागत कोई राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक पहलवान का स्वागत है। पहलवान के स्वागत में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का होना राजनीतिक सवाल तो पैदा करेगा, मगर सवाल यह है कि जो लोग इस तरह के सवाल पैदा करेंगे क्या उनके पास अपना मुंह बचा है विनेश फोगाट को दिखाने के लिए। विनेश के स्वागत में उनके पैतृक गांव बलाली में देसी घी के व्यंजन बन रहे थे, यानी पूरी तरह से जश्न का माहौल बना हुआ है। उनकी मां ने कहा कि मेरी बेटी हमारे लिए हमेशा चैंपियन है, ओपन जीप में सवाल
तैयार होकर विनेश फोगाट हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती रही। कभी किसी से मिलकर रोने लगती तो कभी किसी से मिलकर हंसने भी लगती। इसी बीच लोगों ने एक बार फिर से विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग दोहराई। तमाम किसान संगठनों के लोग भी विनेश के स्वागत में मौजूद थे। पंजाब से तमाम किसान संगठन के लोग पहुंचे हुए थे। अम्बाला से भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारी भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। गाड़ियों का लंबा काफिला विनेश के स्वागत के लिए पहुंचा था। लोगों ने खूब ढोल नगाड़े बजाए, डांस किया, जश्न मनाया। यानी कुल मिलाकर विनेश फोगाट के स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जो ऐलान किया गया था, जो वादे थे, उन्हें निभाने का पूरा प्रयास किया गया। अब मैं आपको विनेश फोगाट का वो पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं, मगर उससे पहले फलाने के परिवार के संभवतः एक नफरती गुर्गे का ये ट्वीट देख लीजिए। विनेश फोगाट के आंसुओं को देखकर इनका कहना है कि विनेश के भीतर आम आदमी पार्टी का नेता बनने के सारे गुण मौजूद है। औसत दर्जे की चालाक और नाटकीय। यानी विनेश फोगाट यदि लोगों के बीच आकर रो पड़ी हैं, रो रही हैं, कभी किसी का अभिवादन करते हुए मुस्कुरा रही हैं, तो इसमें फलाने के परिवार के लोगों को नाटक नजर आ रहा है। इस हिसाब से तो दुनिया और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नाटकबाज एक ही व्यक्ति हो सकता है जो 24 घंटे नौटंकी ही करता है। उसे भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा देना चाहिए। बल्कि नौटंकी करने में तो वो विश्वगुरु कहे जा सकते हैं। वो कौन है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मगर कुल मिलाकर इन लोगों की भी अपनी मजबूरी है। जो लिखने के लिए पाले गए हैं वही तो लिखेंगे। इस व्यक्ति को जवाब देते हुए IITian संदीप मनोधने लिखते हैं कि 99.99% मोदी समर्थक चैंपियन विनेश फोगाट से नफरत करते हैं और कई लोग सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। उनका एकमात्र अपराध यानी विनेश फोगाट का एकमात्र अपराध यही है कि वो यौन उत्पीड़न का विरोध करने के लिए मोदी सत्ता के यानी मोदी के एक आदमी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ खड़ी हुई थी। नया भारत, विकसित भारत का यही विजन चल रहा है 2047 वाला। सोचिए, अपने ही देश की महिला खिलाड़ी जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को स्टैंड किया हो, उसे लेकर भी किस तरह से गंदगी फैलाई जा रही है। ये कितने नफरती लोग हो सकते हैं, इनके नफरत की हद का अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। आइए अब विनेश फोगाट के उस पत्र को पढ़ लेते हैं जिसमें उन्होंने अपने बचपन, अपने स्वर्गीय पिता और माँ के संघर्षों को याद किया है। अपने पत्र में विनेश लिखती है कि एक छोटे से गाँव की छोटी लड़की होने के नाते मुझे नहीं पता था कि ओलंपिक की रिंग क्या होती है। मेरे सपने बस यही थे कि मेरे लंबे लंबे बाल हों, हाथ में मोबाइल फोन हो। यानी आम तौर पर कोई युवा लड़की जो सपने देखती है, वैसे ही सपने मेरे भी थे। मेरे पिताजी जो कि एक सामान्य बस ड्राइवर थे, मुझसे कहा करते थे कि एक दिन वो अपनी बेटी को ऊंची उड़ान भरते हुए विमान में देखना चाहते हैं और खुद नीचे गाड़ी चलाते रहेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि सिर्फ मैं ही अपने पिता के सपनों को हकीकत में बदल सकती थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि चूंकि मैं सबसे छोटी थी इसलिए वो मुझसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे। मेरे पिता जब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मैं उन पर हंसा करती थी। मेरे लिए इन बातों का कोई खास मतलब नहीं था। मेरी माँ जिसने अपना पूरा जीवन बहुत सारी कठिनाइयों में बिताया, उनकी कठिनाइयों पर मैं पूरी कहानी लिख सकती हूँ। मेरी माँ ने केवल यही सपना देखा था कि उनके सभी बच्चे एक दिन उनसे बेहतर जीवन जिएंगे। आजाद होना और उनके बच्चों का अपने पैरों पर खड़ा होना उनके लिए एक सपने जैसा था। मेरी माँ की इच्छाएं और सपने मेरे पिता से कहीं अधिक सरल और सामान्य थे। लेकिन जिस दिन मेरे पिता ने हमें छोड़ा यानी पिता की मौत हुई, मेरे पास विमान में उड़ने के बारे में सिर्फ पिता के विचार और शब्द ही बचे थे। उस वक्त मैं असमंजस में थी, लेकिन फिर भी पिता के सपनों को अपने पास रखा। मेरी माँ का सपना अब और दूर हो गया था क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ही मेरी माँ को स्टेज 3 कैंसर का पता चला। यानी एक तरफ पिता की मृत्यु, इसके कुछ ही दिन बाद माँ को स्टेज 3 का कैंसर। यहीं से 3 बच्चों की यात्रा शुरू हुई जो अपनी अकेली माँ का समर्थन करने के लिए अपना जीवन खोने वाले थे, बचपन खोने वाले थे। जल्द ही लंबे बाल और मोबाइल फोन के मेरे सपने धूमिल हो गए क्योंकि मैंने अपने जीवन की वास्तविकता का सामना किया और अस्तित्व की दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन इसी अस्तित्व ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अपनी माँ की कठिनाइयों को देखकर कभी हार न मानने वाला रवैया, लड़ने का जज्बा ही मुझे वैसा बनाता है जैसी मैं हूँ। माँ ने मुझे हक के लिए लड़ना सिखाया। माँ की यादें ही मुझे परिणाम की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ने में मदद करते हैं। जीवन में आगे की राह कठिन होने के बावजूद हमने एक परिवार के रूप में भगवान में अपना भरोसा कभी नहीं खोया और ये विश्वास था कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छी योजना बनाई है। माँ हमेशा कहती थी कि भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। मुझे इस बात पर तब और भरोसा हुआ जब मेरी मुलाकात सोमवीर से हुई, जो कि मेरे पति हैं, जीवन साथी हैं, जो मेरे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने अपने सहयोग से मेरे जीवन में हर पल अपनी जगह बनाई है, हर एक भूमिका में मेरा साथ दिया है। चुनौतियों का सामना करने में हमेशा वो
मुझसे आगे रहे, बार बार मेरी रक्षा की, मेरी कठिनाइयों को अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने मेरी यात्रा को अपनी यात्रा से ऊपर रखा, हर तरह का सहयोग दिया। यदि सोमवीर मेरे साथ न होते तो मैं इस लड़ाई की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ये सब कुछ केवल इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि मुझे मालूम था कि सोमवीर मेरे साथ खड़ा है। मेरी यात्रा में मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, इनमें से ज्यादातर अच्छे थे और कुछ बुरे हैं। पिछले 1.5-2 वर्षों में कुश्ती के मैट के बाहर बहुत कुछ हुआ है। मेरे जीवन में कई मोड़ आए। कभी ऐसा भी लगा कि अब तो सब कुछ रुक गया है, जिस गड्ढे में हम गिर गए हैं वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरे आसपास के लोगों में ईमानदारी थी, उनके पास मेरे लिए सद्भावना और बड़े पैमाने पर समर्थन था। इन लोगों का मुझ पर भरोसा इतना मजबूत था कि उन्हीं की वजह से मैं चुनौतियों का सामना कर सकी हूँ और पिछले 2 वर्षों से आगे बढ़ पाई हूँ। विनेश फोगाट ने अपनी सपोर्ट टीम का आभार जताया है और डॉक्टर दिनसा पारदीवाला की खूब तारीफ की है। कहा है कि वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है बल्कि भगवान द्वारा भेजे गए एक देवदूत है। जब चोट लगने के बाद मैंने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया था तो डॉक्टर पारदीवाला का भरोसा ही था कि मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। उन्होंने 3-3 बार मेरे पैरों का ऑपरेशन किया और मुझे दिखाया कि मानव का शरीर कितना लचीला हो सकता है। भारतीय खेलों के प्रति उनका समर्पण, दयालुता और ईमानदारी ऐसी चीज है जिस पर भगवान सहित किसी को भी संदेह नहीं होगा। अपने इस पत्र में विनेश ने डॉक्टर वेन पैट्रिक लोम्बार्ड की भी सराहना की है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में उपस्थित होकर खिलाड़ियों की सहायता की। वोलर अकोस जो कि विनेश के कोच भी थे उनके बारे में भी विनेश फोगाट ने लिखा है कि महिला कुश्ती की दुनिया में वो वोलर अकोस को मैंने सबसे अच्छा कोच, सबसे अच्छा मार्गदर्शक और सबसे अच्छा इंसान पाया है जो अपनी शांति, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किसी भी स्थिति को संभालने में सक्षम है। आपको याद दिला दें, वोलर अकोस विनेश फोगाट की वही कोच है जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और बताया कि वजन घटाने के प्रयास में विनेश फोगाट ने इतनी मेहनत की कि इनके कोच को संदेह होने लगा कि कहीं विनेश फोगाट की मौत न हो जाए। अपने कोच की खूब सराहना और आभार व्यक्त करते हुए विनेश ने इस पत्र के माध्यम से लिखा है कि मेरी कोच मेरे परिवार से कहीं बढ़कर थे। उन्होंने कभी भी मेरी सफलता का श्रेय लेने की भूख नहीं दिखाई, हमेशा विनम्र रहते थे, लेकिन मैं उन्हें वो पहचान देना चाहती हूँ जिसके लिए वो हकदार है। मेरी खातिर उन्होंने अपने परिवार से अलग समय बिताया, इसके लिए जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा। विनेश फोगाट ने अपने कोच के बारे में यहां तक लिखा कि अगर वो नहीं होते तो विनेश कुश्ती के मैट पर नहीं होती। अश्विनी जीवन पाटिल की भी सराहना करते हुए विनेश फोगाट ने उन्हें धन्यवाद दिया है और अपने लिए उनके योगदान को याद किया है। तजिंदर कौर के बारे में भी विनेश फोगाट ने लिखा है कि पिछले 1 साल में सर्जरी के बाद मेरा वजन कम करने का सफर काफी चुनौतीपूर्ण था, जिसके बारे में जब मैंने पहली बार तजिंदर कौर को बताया कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना है तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि तुम्हारी चोट को ध्यान में रखते हुए वजन कम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम के तमाम सदस्यों का आभार प्रकट किया है। आगे लिखती है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान मैं भारत में महिलाओं की पवित्रता, हमारे भारतीय ध्वज की पवित्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन जब मैं 28 मई 2023 को भारतीय ध्वज के साथ अपनी तस्वीर देखती हूं, तो ये मुझे परेशान कर देती है। मेरी इच्छा थी कि ओलंपिक में भारतीय तिरंगे को ऊंचा लहराऊं, मेरे पास भारतीय ध्वज की एक तस्वीर हो जो वास्तव में इसके मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हो और उसकी पवित्रता को बहाल करती हो। मुझे लगा कि ऐसा करने से झंडे पर क्या गुजरी है और कुश्ती पर क्या गुजरी है इसका ठीक ठाक पता चलेगा। मैं वास्तव में अपने साथी भारतीयों को ये दिखाने की उम्मीद कर रही थी। अपने पत्र में विनेश ने आगे लिखा है कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है और आगे बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन शब्द कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे और शायद जब सही समय आएगा तब मैं दोबारा बोलूंगी। अभी बस इतना ही कहना चाहूंगी कि 6 अगस्त की रात और 7 अगस्त की सुबह में हम हार नहीं माने, यानी जब अचानक से विनेश फोगाट का वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया तो इनका कहना है कि मैंने किसी भी रूप में हार नहीं माना, अपना भरपूर प्रयास किया। विनेश लिखती है कि हमने कोई आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन घड़ी रुक गई थी और समय ठीक नहीं था। मेरी किस्मत भी ऐसी ही थी, मेरी टीम, मेरे साथी भारतीयों और मेरे परिवार को ऐसा लगता है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे थे और जिसे हासिल करने के लिए हमने योजना बनाई थी वो अधूरा है। कुछ न कुछ कमी हमेशा रह सकती है और चीजें कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। शायद अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई और मेरे अंदर कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए क्या होगा और इस यात्रा में आगे क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज में विश्वास करती हूँ और सही चीज के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। यानी विनेश फोगाट ने इस पत्र के माध्यम से अपने तमाम सहयोगियों को धन्यवाद दिया है, उनका आभार व्यक्त किया है, साथ ही साथ बेहद कम शब्दों में अपने बचपन और माँ बाप को याद किया है, जीवन साथी को भी याद किया है। कहने सुनने में विनेश फोगाट की लड़ाई हल्की लग सकती है, कोई सोच सकता है कि कौन सा बड़ा काम है, मगर जरा सोचिए, ये वो मुल्क है जहां जिंदगी भर महिलाएं अपने घरों में ताने सुनकर, ज्यादतियां सहकर, मारपीट बर्दाश्त करके और नर्क से भी बदतर जीवन झेलते हुए बिता देती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं
नहीं बिता पाती हैं, अक्सर वो खबरों में आ जाती हैं मगर आवाज नहीं निकलती। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं को इस कदर गुलामी की मानसिकता के भीतर ढकेल दिया गया हो, जहां हजारों साल से महिलाओं को लगभग दोयम दर्जे का इंसान समझा गया हो और आज भी जिस तरीके से देश भर से महिलाओं के खिलाफ भयंकर उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, इन्हीं को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले। और सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि महिलाओं को पिछलग्गू बनकर रहना है, पीछे पीछे चलना है, दूसरे के नाम से अपनी पहचान होगी, इन सब के लिए तैयार किया जा चुका है। और ये तैयारी इतनी जबरदस्त है कि धार्मिक कार्यक्रमों में, यहां तक कि टीवी सीरियल्स में गाने बजाए जाते हैं कि अच्छा है बुरा है चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, यानी वो कुछ भी करता हो मेरा देवता है। और इन सब को कहने, गाने, सुनने, बोलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है परजीवी होना, पराधीन होना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बहुत तेज न सही बदलाव हो रहा है। उम्मीद है विनेश फोगाट की लड़ाई देश की बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना एक बात होती है और इस योजना में जारी किए गए पैसों से अपनी फोटो चमकाना एक बात होती है, खा के डकार भी न लेना एक बात होती है, मेडल लेकर आने पर महिला पहलवानों के साथ फोटो खिंचाना, वीडियो बनाना, प्रचार करना एक बात होती है और उन्हीं बेटियों की मुसीबत में मिस्टर इंडिया बनकर गायब हो जाना एक बात होती है। वैसे भी जो लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उनके परिवार के हत्यारों को जेल से छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से फ्रॉड करते हो, जिनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी और बलात्कारी घूमते हो, हजारों महिलाओं से बलात्कार करने वाले का हाथ पकड़कर उसके लिए वोट मांगते हो, उनसे कोई उम्मीद करना अपने आप में बेमानी ही कही जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।